हेलो फ्रेंड्स, मैं ओबामा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वालकॉम के नए गेमिंग किंग के बारे में, जो कि है स्नैपड्रैगन 865 5G। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये नया गेमिंग किंग क्यों है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सीपीयू की। तो जो स्नैपड्रैगन 865 है, वो क्वालकॉम का नया एसओसी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसओसी आखिर होता क्या है। तो एसओसी अपने आप में कोई प्रोसेसर नहीं होता, बल्कि प्रोसेसर, रैम, जीपीयू, जितने भी चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर में होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सिस्टम ऑन चिप, यानी एसओसी। तो इसमें है 7 नैनोमीटर का कायरो 585 सीपीयू, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, पर इसमें जो 8 कोर है वो एक जैसे नहीं है। तो जानते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो इसमें है 4 हाई एफिशिएंसी वाले कोर्टेक्स A55 कोर्स, जिनका क्लॉक स्पीड है 1.1 गीगाहर्ट्ज़ का, और ये आते हैं 128 KB लेवल 2 कैश के साथ, जो कि यूज़ होंगे लेस डिमांडिंग वर्कलोड के लिए। तो बाकी 3 कोर्स जो है इसमें दिए गए हैं, वो है कोर्टेक्स A77 कोर्स, जिनका क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, एंड जो आते हैं 256 KB के लेवल 2 कैश के साथ, और ये यूज होंगे डिमांडिंग वर्कलोड के लिए। तो इसके बाद इसमें दिया गया है एक सिंगल कॉर्टेक्स A77 कोर, जो कि सबसे पावरफुल कोर है और जिसका क्लॉक रेट सबसे ज़्यादा हाई है, जो कि है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ का, और ये आता है 512 KB लेवल 2 कैश के साथ, जो यूज़ होता है हेवी सिंगल थ्रेडेड वर्कलोड के लिए। इसके अलावा इसमें है 4 MB का लेवल 3 कैश, जो 8 कोर्स आपस में शेयर करेंगे, और इसमें और दिया गया है 3 MB का सिस्टम कैश। एंड क्वालकॉम का कहना है कि ये पिछले वाले जो प्रोसेसर है, यानी 855, उससे ये CPU 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है। पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये पुराना जो 855 है उससे 20% ज़्यादा पावरफुल है, ना कि इसका जो नया वेरिएंट था 855 प्लस। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रैम या मेमोरी के बारे में। तो ये 2 तरीके का रैम सपोर्ट करता है। पहला वाला है LPDDR5 रैम, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2750 MHz, एंड दूसरा है LPDDR4 रैम, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz, एंड इसमें लगाया जा सकता है अप टू 16 GB तक का रैम। तो अब बात करते हैं इसके सेलुलर नेटवर्क के बारे में। तो ये जो नया चिप है या SoC है स्नैपड्रैगन का 865, इसमें कोई भी इंटरनल मॉडेम नहीं आता, ना 5G का, 5G तो छोड़ दिए दोस्तों, ना 3G या 4G, इसमें कोई भी इंटरनल मॉडेम नहीं आता। तो फिक्र मत कीजिए, इसके लिए इसमें दिया गया है क्वालकॉम का नया X55 5G मॉडेम, जो सपोर्ट करता है 5G को। पर ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप कंप्यूटर में एक्सटर्नल मॉडेम लगाते हैं USB में, ये रहेगा आपके मदरबोर्ड के साथ, पर क्योंकि ये SoC के अंदर नहीं है तो इसे एक्सटर्नल कहा जा रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो ये देगा आपको अप टू 7.5 GBPS का डाउनलोड स्पीड एंड 3 GBPS का अपलोड स्पीड थियोरेटिकली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में है, सिम कंपनी, इतना ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा और इसके आसपास भी जाएगा। जैसे कि हमारे पास 4G है, पर जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी 4G के जो स्पीड लिमिट है उसके आसपास भी आपको स्पीड प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको हाई स्पीड नहीं मिलेगा, इसमें आपको 4G से बहुत ज़्यादा स्पीड देखने मिलेगा, पर उतना नहीं जितना कि इसमें कहा गया है, इसलिए मैंने इसको कहा है थियोरेटिकल। तो चलिए अब बात करते हैं इसके GPU के बारे में। तो इसमें दिया गया है नया क्वालकॉम का एड्रीनो 650 का GPU, जो कि पुराने वाले से 20% ज़्यादा फास्ट है। यहाँ मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा, वो 855 से ज़्यादा फास्ट है, ना कि 855 प्लस से, और ROG Phone 2 से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका जो GPU ओवरक्लॉक्ड है। और वैसे भी मेरे पास ROG Phone है, अभी 1 महीना पहले लिया है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी पुराना हो जाए, मुझे बुरा लगेगा। एंड ये 35% ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होने वाला है, यानी ये कंज्यूम करेगा लेस बैटरी गेमिंग के टाइम पे, यानी आपको मिलेगा मोर गेमिंग टाइम, यानी मोर PUBG टाइम, यानी मोर चिकन डिनर। और PUBG का बात चला है तो एक अपडेट मैं यहाँ देना चाहूँगा PUBG गेमर्स को, कि PUBG अब बहुत जल्द 10-bit True HDR में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा 1 billion तक का कलर एंड 90 FPS का फ्रेम रेट। तो गुड न्यूज़ फॉर PUBG गेमर्स।
तो इस GPU में आपको कुछ ऐसे नए फीचर मिलेंगे जो पहले कभी मुमकिन नहीं था एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना, पर इस नए Adreno 650 में आपको कुछ नए फीचर देखने मिलेंगे जिसको Qualcomm ने कहा है इलाइट गेमिंग फीचर्स। तो जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर है इस GPU का वो है ये आता है कुछ डेस्कटॉप लेवल फीचर्स के साथ। जैसे कि हम डेस्कटॉप में ग्राफिक ड्राइवर अपडेट करते रहते हैं, तो Qualcomm ने कहा है कि फ्यूचर में जब ये चिप आ जाएगा तब इसमें गूगल प्ले से आप इसका GPU ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। तो अब आपको इसके GPU अपडेट के लिए कंपनी पे डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट गूगल प्ले से इसका GPU ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं और ये आपको देगा बेटर बग फिक्सिंग, बेटर परफॉर्मेंस बूस्ट एंड आपको और ज़्यादा गेमिंग में मज़ा आएगा। तो जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कंपनीज अपडेट तो प्रोवाइड करते ही नहीं है, सिर्फ आपको फ़ोन भेज देते हैं और अपडेट के टाइम पे अपना हाथ जेब में घुसा लेते हैं। एंड इसमें और भी कुछ डेस्कटॉप लेवल की चीज़ें शामिल है जो कि डेस्कटॉप गेमिंग में ही अब तक पॉसिबल था। जैसा कि इसमें दिया गया है नया एडवांस शेडिंग एंड लाइटिंग पोस्ट प्रोसेसिंग, एंड ये करने के लिए कंपनी ने इस GPU में ऐड किया है एडिशनल शेडर कोर्स। तो इनकी मदद से ये आपको देगा डेस्कटॉप लेवल डेप्थ ऑफ फील्ड, मल्टीपल डायनामिक लाइट्स, मल्टीपल डायनामिक शेडोज, डेस्कटॉप लेवल मोशन ब्लर एंड डेस्कटॉप क्वालिटी रिफ्लेक्शन। एंड जो सबसे अच्छा फीचर है इसका वो है कि ये अब 144Hz का डिस्प्ले सपोर्ट करता है, वो भी क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ, और जो सपोर्ट करेगा HDR+ जिसमें इंक्लूड होंगे मोर देन 1 बिलियन कलर्स एंड रेक 2020 कलर गैमेट के साथ। तो इसमें कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं जो कि है अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग, जो आपके गेम का वर्कलोड मॉनिटर करता रहता है एंड गेम में कुछ एडजस्टमेंट करता रहता है रियल टाइम में, ताकि आपको मिले एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड हाईएस्ट HDR क्वालिटी, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादातर गेम ऐसे हैं जो कि HDR को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे Qualcomm ने प्रोवाइड किया है उनका Qualcomm गेम कलर प्लस, जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज करता है एंड डिटेल को एनहांस कर देता है एंड ये सैचुरेशन को भी बूस्ट करता है एंड प्रोवाइड करता है बहुत ही ज़्यादा विविड एनहांस्ड विजुअल क्वालिटी आपके गेम प्ले के लिए। तो फाइनली कुल मिला के इसमें मिलेगा आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक एंड इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब ROG Phone 3 निकलेगा तो ROG में क्या क्या नए फीचर इंक्लूड होंगे, हमें क्या नए चीज़ें देखने मिलेंगी। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें बस वेट ही करना है। तो देखते हैं फ़ोन कंपनीज कैसे इस फीचर्स का फ़ायदा उठाते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ Qualcomm Snapdragon 865 5G का गेमिंग वीडियो ख़त्म होता है। तो अब आप जानते हैं कि मैंने इसे गेमिंग किंग क्यों कहा था और इसको किंग का ताज दिया था। तो देखने के लिए थैंक्स एंड आई होप आपने आज कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो बाय।